हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे और ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आज बात करनी है, आज हम दो से तीन टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के बारे में, आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कर के बारे में, और एक टॉपिक है उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक मतलब जैसे कि मैंने कल एक ट्रोलर्स पे वीडियो बनाया था, जिन्होंने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाकर और देख सकते हैं वो वीडियो। तो पहले हमने ट्रोलर्स जो सबा इब्राहिम को उनकी शादी के लिए ट्रोल कर रहे हैं उस पर हमने वीडियो बनाया था कल, और आज हम बना रहे दीपिका कक्कर के बारे में। फर्स्ट टॉपिक मेरा दीपिका कक्कर को लेकर है। तो मैं आपको बता दूँ कि दीपिका कक्कर के जो पेरेंट्स है वो सेपरेट रहते हैं, दोनों भी जो उनके मम्मी पापा है वो सेपरेट है, और कई सालों से वो सेपरेट ही रहते हैं। और जब भी दीपिका को ज़रूरत होती है तो दोनों उनके साथ में मिलकर ही उनकी मतलब उनके साथ आ जाते हैं मिलकर। और लोगों का इस पर भी लोगों को तकलीफ़ है, लोग इस पर भी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। पहले तो हमेशा ही दीपिका कक्कर को लोग ट्रोल करते रहते हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने वो नॉन मुस्लिम हैं और उन्होंने मुस्लिम लड़के से शादी की है, इस वजह से तो उन्हें हमेशा ट्रोल किया जाता है। उन्हें ईद पर ट्रोल किया जाता है, एवरी डे कोई ना कोई बात पर उन्हें लोग ट्रोल कर ही देते हैं। लोगों को उनके फैज़ा नाम से प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स वो लोग बोलते हैं दीपिका है या फैज़ा है, वो जो भी है। लेकिन अगर उनके माँ बाप सेपरेट है तो सेपरेट है, अगर उनको नहीं पसंद आ रहा होगा एक दूसरे के साथ में रहना, तो इसलिए वो सेपरेट हो गए हैं। और अच्छा है ना कि उनको अगर एक दूसरे के साथ रहना जम नहीं रहा है, तो अगर वो सेपरेट हो गए तो उनके लिए अच्छा है। हर इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो उसे पता होता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। हम सिर्फ बैठ कर जज करते हैं किसी को भी, और जो वेले बैठे रहते हैं ना, वो बस एक दूसरे को जज करते रहते हैं, इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, बस यही लोग करते रहते हैं। तो बस यही केस में भी यही है कि दीपिका कक्कर को किधर से भी लोग बस ट्रोल करना चाहते हैं, और हर चीज़ पर उन्हें ट्रोल करते हैं। कभी उनके रिलीजन को लेकर ट्रोल करते हैं, कोई त्यौहारों को लेकर ट्रोल करते हैं, माँ बाप को लेकर ट्रोल करते हैं, इन लॉज को लेकर ट्रोल करते हैं। हर इंसान दीपिका कक्कर को बस ट्रोल करते रहता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि उनकी वो इंटरनली कितनी अच्छी है। एक मुस्लिम फैमिली के साथ रहना, जो नॉन मुस्लिम है वो मुस्लिम फैमिली के साथ रहती है, उतना ही उन्हें रिस्पेक्ट करती है, प्यार करती है उनके माँ बाप के जैसा। और क्या चाहिए ज़िंदगी। लोगों को उनकी शादी से प्रॉब्लम है, पहले एक शादी हुई थी वो क्यों टूटी, अब दूसरी शादी, अब वो शादी में खुश नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने शादी को वहीं पर रोक दिया, स्टॉप कर दिया, डिवोर्स ले लिया और दूसरी शादी कर ली शुएब इब्राहिम के साथ, और वो शुएब इब्राहिम। तो फ्रेंड्स, बस लोगों का यही प्रॉब्लम है किसी को भी ट्रोल करना। और सबा इब्राहिम, अब सेकंड हम टॉपिक उठाते हैं। कैसे हैं आप? आप पूछो कैसे हो आप? आप कैसे हो? हाँ, क्या बोलने का आपको? गाइस, तो फ्रेंड्स सेकंड टॉपिक हम उठाते हैं सबा इब्राहिम का। जैसे कि मैंने कल सबा इब्राहिम पे वीडियो बनाया था कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं शादी के लिए, बहुत ज़्यादा लोग उनकी शादी इतनी ट्रेंड में आ चुकी है, कोई सेलिब्रिटी की शादी भी इतनी ट्रेंडिंग में नहीं आती होगी जितनी सबा इब्राहिम की शादी ट्रेंड में आ चुकी है। तो हर कोई सबा इब्राहिम पे वीडियो बना रहा है, इवन मैं भी सबा इब्राहिम पे ही वीडियो बना रही हूँ अभी कब से। मैंने भी ब्लॉगिंग को थोड़ा स्टॉप कर दिया है और सबा इब्राहिम की टॉपिक को थोड़ा मैंने उठा लिया है ऊपर। तो मैं भी सबा इब्राहिम पे भी वीडियोस बना रही हूँ, जैसे कि इब्राहिम फैमिली पे वीडियो बना रही हूँ। तो जैसे कि मैं सर्च करती हूँ, मैं यूट्यूब पर जाती हूँ, सर्च करती हूँ, गूगल पर जाती हूँ, तो एवरी वेयर सबा इब्राहिम की शादी छाई हुई है। हर जगह सबा इब्राहिम की शादी 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 चल रही है, सबा इब्राहिम की शादी इतनी ट्रेंड में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, मेरा अभी सबा इब्राहिम की शादी को दो महीने हैं, तब से ही सबा इब्राहिम की शादी बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में आ चुकी है, और सबा इब्राहिम लाइक अ सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। और अच्छी बात भी है, उनकी ब्लॉगिंग भी अच्छी है, और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव लोग तो बहुत ज़्यादा है, और 10% हो गए 100% में से 90% जो लोग हैं वो अच्छे हैं, पॉजिटिव सोच के हैं, और जो 10% लोग हैं वो नेगेटिव सोच के हैं। तो सबा इब्राहिम की ब्लॉगिंग पर भी वो नेगेटिव कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे कमेंट कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होते हैं, और लोग बस क्या बोलते हैं, इसको बताना ही क्या है, शॉपिंग बताती है और बस शॉपिंग बताती है, घूमते रहती है, बस यही ब्लॉगिंग करती है, ऐसी करती है, वैसी करती है, अब हर चीज़ पर लोगों को बस ट्रोल करना है। अच्छा,
वो लोग बोलते नहीं, वो फेक आईडीज होती है, फेक आईडी से लोगों को बस ट्रोल कर देते हैं, लोगों को नेगेटिव कमेंट कर देते हैं और चले जाते हैं उनका। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को।